दोस्तों, दुनिया में बहुत कम लोग जानते हैं औरत का यह भाग सबसे ज़्यादा पवित्र होता है। दोस्तों, पूरी दुनिया में बहुत कम ही लोग जानते हैं औरत का पवित्र भाग कौन सा है। अगर आप जान लेंगे ये बातें तो आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। दोस्तों, हर व्यक्ति को ये बातें जानने की उत्सुकता रहती है कि आखिर महिला के अंदर सबसे पवित्र भाग कौन सा होता है। दुनिया का हर व्यक्ति इस बात को जानना ज़रूर चाहेगा। आपको बता दें, दुनिया में कई लोग ऐसे हैं जो महिलाओं के पैरों को सबसे पवित्र मानते हैं, लेकिन सच्चाई कुछ और ही है। आपकी जानकारी के लिए बता दें, जहाँ महिलाओं की पूजा की जाती है वहाँ देवताओं का निवास होता है, और जहाँ इनका अपमान होता है, इन्हें गालियाँ दी जाती है, इन्हें बार बार परेशान किया जाता है, वहाँ पर देवता गलती से भी वास नहीं करते। ऐसे में आस पड़ोस के लोगों को महिलाओं पर हो रहे अत्याचार और उसे देखकर नज़रअंदाज करना पाप का भागीदार माना जाता है। इसलिए महिलाओं का सम्मान करें। महिलाओं का सम्मान मतलब प्रकृति का सम्मान माना जाता है। तो चलिए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं कि महिलाओं का सबसे पवित्र अंग या पवित्र भाग कौन सा है, जिसे देखना और छूना सबसे शुभ माना जाता है। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, हमें एक महिला के पवित्रता का उदाहरण समझने के लिए केरल से सीखना चाहिए। केरल में महिलाओं की पूजा की जाती है। केरल हमेशा से ही महिलाओं के रूप में, एक पत्नी के रूप में, एक बेटी के रूप में, एक लक्ष्मी के रूप में नारी पूजा का प्रचलन रहा है। आपको बता दें, लोग मानते हैं कि स्त्री हमेशा से ही पवित्र है और देवी उसके भीतर निवास करती है, और एक व्यक्ति एक औरत एक शक्ति का रूप है। केरल के लोगों का ही नहीं, शास्त्रों में भी बताया गया है कि जहाँ महिलाओं की पूजा होती है वहाँ देवताओं का गंध होता है। लेकिन इसके साथ ही, क्या आप जानते हैं कि महिलाओं के शरीर के सबसे पवित्र अंग ये वाला भाग होता है? तो आप जानकर चौंक जाओगे। तो चलिए ये भी जान लेते हैं दोस्तों, हमारे ऋषि मुनि मुनियों के अनुसार ब्राह्मणों के पैर पवित्र होते हैं, गायों की पीठ पवित्र होती है, घोड़ों और बकरियों की मुंह पवित्र होते हैं। लेकिन बात जब एक महिला की आती है तो उसके शरीर के एक हिस्से की पवित्रता की बात करें तो ऋषि मुनियों का कहना है कि महिला शुद्ध होती है। महिलाओं का एक ही हिस्सा नहीं, पूरा शरीर ही पवित्र होता है। महिला का हर अंग की पूजा की जाती है। इस कारण से महिलाओं की पूजा हर व्यक्ति को करनी चाहिए, क्योंकि एक स्त्री ही प्रकृति है, इसलिए इसका सम्मान करें।